ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है और हम आपको बताने वाले हैं दिवाली के मौके पे अनगिनत टोटके जो आपकी विपदा को दूर करेगी और आपके इनकम को बढ़ाएगी। आरोग्य और समृद्धि का पर्व है धनतेरस जो कल जा चुका है। दीपावली की रात श्रेष्ठ मुहूर्त में माँ लक्ष्मी की पूजन कीजिए। पहली बात, पूजन में तेज सुगंध वाली अगरबत्ती, धूप, इत्र, अष्टगंध का प्रयोग करें, लाल चंदन का भी प्रयोग करें। और इसके संबंध में मान्यता है दीपावली की रात श्रेष्ठ मुहूर्त में माँ लक्ष्मी का पूजन करें, अगरबत्ती, धूप, अष्टगंधा का प्रयोग करें और लाल चंदन का उपयोग तो आपको करना ही करना है। इस संबंध में मान्यता है कि तेज सुगंध से लक्ष्मी हमारे घर पर कृपा बरसाती है। अभी लक्ष्मी कृपा पाने के लिए मैं आपको छोटे छोटे उपाय बता रहा हूं। आप कई उपाय भी कर सकते हैं या सिर्फ कोई भी पांच उपाय कर सकते हैं। दीपावली की रात को अशोक वृक्ष के नीचे घी का दीपक लगाएं एवं वृक्ष का पूजन करें। अगले दिन उस वृक्ष की जड़ लेकर आएं तथा तिजोरी में रख दीजिए। धन की आवक बनी रहेगी। पांच जोड़ी गोमती चक्र को लाल वस्त्र में बांधकर घर की चौखट के ऊपर बांधने से धन संबंधी कामों में लाभ मिलेगा। दीपावली पर पूजन करने के बाद घर के सभी कमरों में शंख और घंटी बजाना चाहिए। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा और दरिद्रता बाहर चली जाती है, माँ लक्ष्मी घर में आती है। दीपावली पर तेल का दीपक जलाएं और दीपक में एक लौंग डालकर हनुमान जी की आरती करें। किसी हनुमान मंदिर में जाकर ऐसा दीपक भी लगा सकते हैं। रात को सोने से पहले किसी चौराहे पर तेल का दीपक जलाएं और घर लौटकर आ जाएं। ध्यान रखें पीछे पलटकर नहीं देखना। फिर दीपावली के दिन अशोक के पेड़ के पत्तों से बंधन द्वार बनाएं और इसे मुख्य दरवाजे पर लगाएं। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। फिर कभी भी किसी भी बुजुर्ग इंसान का अपमान नहीं करना चाहिए और दीपावली के दिन विशेष रूप से उनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद ग्रहण करें। ऐसा करने पर बड़ी बड़ी परेशानियाँ दूर हो जाती है। महालक्ष्मी के पूजन में पीली कौड़ियाँ भी रखनी चाहिए। ये कौड़ियाँ पूजन में रखने से महालक्ष्मी बहुत ही जल्दी प्रसन्न होती है। आपकी धन संबंधी सभी परेशानियाँ खत्म हो जाएगी। दीपावली की रात लक्ष्मी पूजा करते समय एक थोड़ा सा बड़ा घी का दीपक जलाएं, जिसमें 9 बत्तियाँ लगाई जा सके। सभी 9 बत्तियाँ जलाएं और लक्ष्मी की पूजा करें। दीपावली की रात में लक्ष्मी पूजन के साथ ही अपनी दुकान, कंप्यूटर आदि ऐसी चीज़ों की पूजा करें जो आपकी कमाई का साधन है। दीपावली से यह एक नियम रोज का बना लीजिए कि सुबह जब भी उठें तो उठते ही सबसे पहले अपने दोनों हथेलियों का दर्शन करना चाहिए। दीपावली के दिन घर से निकलते ही यदि कोई सुहागन स्त्री लाल रंग के पारंपरिक ड्रेस में दिख जाए तो समझ लें कि आप पर महालक्ष्मी की कृपा होने वाली है। यह एक शुभ शकुन है। ऐसा होने पर किसी जरूरतमंद सुहागन स्त्री को सुहाग की सामग्री प्रदान करें। दीपावली की रात में लक्ष्मी और कुबेर देव का पूजन करें और एक मंत्र का जप करें जो कम से कम 108 बार करना है। मंत्र है, ओम यच्छाय कुबेराय वैश्रवणाय धन धान्य अधिपत्य धान धन्या समृद्धि मम देहि दाव्य स्वाहा। महालक्ष्मी के पूजन में गोमती चक्र भी रखना चाहिए। गोमती चक्र भी घर में धन संबंधी लाभ दिलाता है। पूजा में लक्ष्मी यंत्र, कुबेर यंत्र और श्री यंत्र रखना चाहिए। यदि स्फटिक का श्री यंत्र हो तो सर्वश्रेष्ठ रहता है। एकाक्षी नारियल, दक्षिणावर्ती शंख, हत्था जोड़ी की भी पूजा करनी चाहिए। दीपावली से एक नियम हर रोज बना लीजिए। आपके घर में जब भी खाना बने तो उसमें से सबसे पहली रोटी गाय को खिलाएं। शास्त्रों के अनुसार एक पीपल का पौधा लगाने वाले व्यक्ति को जीवन में किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं सताता है। उस इंसान को कभी पैसों की कमी नहीं रहती। पीपल का पौधा लगाने के बाद उसे नियमित रूप से जल अर्पित करना चाहिए। जैसे जैसे वृक्ष बड़ा होगा आपके घर परिवार में सुख समृद्धि बढ़ती जाएगी, धन बढ़ता जाएगा। पीपल के बड़े होने तक इसका पूरा ध्यान रखना चाहिए, तभी आश्चर्यजनक लाभ प्राप्त होगा। दीपावली पर लक्ष्मी का पूजन करने के लिए स्थिर लग्न श्रेष्ठ माना जाता है। इस लग्न में पूजा करने पर महालक्ष्मी स्थायी रूप से घर में निवास करती है। दीपावली पर
श्री सुक्त एवं कनक धारा सूत्र का पाठ करना चाहिए। रामरक्षा सूत्र या हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ भी किया जा सकता है। किसी शिव मंदिर जाएं और वहाँ शिवलिंग पर अक्षत यानी चावल चढ़ाएं। ध्यान रहे, सभी चावल पूर्ण होने चाहिए, खंडित चावल शिवलिंग पर चढ़ाना नहीं चाहिए। अपने घर के आसपास किसी पीपल के पेड़ के नीचे तेल का दीपक जलाएं। ये उपाय दिवाली की रात में किया जाना चाहिए। ध्यान रखें, दीपक लगाकर चुपचाप अपने घर लौट आए, पीछे पलट कर ना देखें। यदि संभव हो सके तो दीपावली की देर रात तक घर का मुख्य दरवाजा खुला रखें। ऐसा माना जाता है कि दिवाली की रात में महालक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती है और अपने भक्तों के घर जाती है। दीपावली की रात में हल्दी की 11 गांठें लें, इन्हें पीले कपड़े में बांध लें। घर के पूजन कक्ष में लक्ष्मी गणेश के फोटो के सामने घी का दीपक जलाएं, चंदन पुष्प आदि चढ़ाएं। इसके बाद आप मंत्र का 11 जाप माला जाप करें, ओम श्री गणेशाय नमः, इसका जाप करें। इसके बाद पीले कपड़े में बंधी हुई हल्दी की गांठों को निकालें और धन के स्थान में रखें। महालक्ष्मी को तुलसी के पत्ते भी चढ़ाने चाहिए। लक्ष्मी पूजा में दीपक दाएं, अगरबत्ती बाएं, पुष्प सामने व नैवेद्य थाली में दक्षिण में रखना श्रेष्ठ रहता है। लक्ष्मी पूजन के समय एक नारियल लें और उस पर अक्षत, कुमकुम, पुष्प आदि अर्पित करें और उसे भी पूजा में रखें। दीपावली के दिन झाड़ू अवश्य खरीदना चाहिए। पूरे घर की सफाई नहीं झाड़ू से करें। जब झाड़ू का काम न हो तो उसे छिपा कर रखना चाहिए। इस दिन अमावस्या रहती है तथा स्थिति पर पीपल के वृक्ष को जल अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने पर शनि के दोष और काल सर्प दोष समाप्त हो जाते हैं। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि माह की हर अमावस्या पर पूरे घर की अच्छी तरह से साफ सफाई की जानी चाहिए। साफ सफाई के बाद घर में धूप दीप ध्यान करें, इसे घर का वातावरण पवित्र और बरकत देने वाला बना रहेगा। दीपावली पर ब्रह्म मुहूर्त में उठें और स्नान करते समय नहाने के पानी में कच्चा दूध और गंगा जल मिलाएं। स्नान के बाद अच्छे वस्त्र धारण करें और सूर्य को जल अर्पित करें। जल अर्पित करने के साथ ही लाल पुष्प भी सूर्य को चढ़ाएं। किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद व्यक्ति को अनाज का दान करें। अनाज के साथ ही वस्त्र का दान करना भी श्रेष्ठ रहता है। सप्ताह में एक बार किसी जरूरतमंद सुहागन स्त्री को सुहाग का सामान दान करें। इस उपाय से देवी लक्ष्मी तुरंत ही प्रसन्न होती है और धन संबंधी परेशानियों को दूर करती है। ध्यान रखें, यह उपाय नियमित रूप से हर सप्ताह करना चाहिए। पीपल के 11 पत्ते तोड़ें और उन पर श्री राम का नाम लिखें। राम नाम लिखने के लिए चंदन का उपयोग किया जाता है। यह कार्य पीपल के नीचे बैठकर करेंगे तो जल्दी शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। राम नाम लिखने के बाद इन पत्तों की माला बनाएं और हनुमान जी को अर्पित करें। कलयुग में हनुमान जी शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता माने गए हैं। इनके कृपा प्राप्त करने के लिए कई प्रकार के उपाय बताए गए हैं। यदि पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए तो यह चमत्कारी फल प्रदान करने वाला उपाय है। शनि दोषों से मुक्ति के लिए तो पीपल के वृक्ष के उपाय रामवान हैं। शनि की 7.5 और ढैया के बुरे प्रभाव को नष्ट करने के लिए पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाकर 7 परिक्रमा करनी चाहिए। इसके साथ ही शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक भी लगाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति दीपावली के दिन किसी पीपल के वृक्ष के नीचे छोटा सा शिवलिंग स्थापित करता है तो उसका जीवन में कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी। बड़ा आसान चीज़ ये आप कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति दीपावली के दिन किसी पीपल के वृक्ष के नीचे छोटा सा शिवलिंग स्थापित करता है तो कोई परेशानी नहीं आएगी। यदि कोई भयंकर परेशानी चल रही होगी तो वह भी दूर हो जाएगी। पीपल के नीचे शिवलिंग स्थापित करके उसकी नियमित पूजा भी करनी चाहिए। उस उपाय से गरीब व्यक्ति भी धीरे धीरे मालामाल हो जाता है। प्रथम पूज्य श्री गणेश को दुर्वा अर्पित करें। दुर्वा की 21 गांठें गणेश जी को चढ़ाने से उनकी कृपा प्राप्त होती है। दीपावली के शुभ दिन यह उपाय करने से गणेश जी के साथ महालक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। दीपावली से प्रतिदिन सुबह घर से निकलने से पहले केसर का तिलक लगाएं। ऐसा हर रोज करें, महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। यदि संभव हो सके तो दीपावली पर किसी गरीब व्यक्ति को काले कंबल का दान करें। ऐसा करने पर शनि और राहु केतु के दोष शांत होंगे और कार्यों में आ रही रुकावटें दूर हो जाएंगी। जो लोग धन का संचय बढ़ाना चाहते हैं उन्हें तिजोरी में लाल कपड़ा बिछाना चाहिए। इसके प्रभाव से धन का संचय बढ़ता है। महालक्ष्मी का ऐसा फोटो रखें
जिसमें लक्ष्मी बैठी हुई दिखाई दे रही है। माँ लक्ष्मी के पूजन में दक्षिणावर्ती शंख भी रखना चाहिए। यह शंख महालक्ष्मी को अति प्रिय है। इसकी पूजा करने पर घर में सुख शांति का वास होता है। दीपावली के 5 दिनों में घर में शांति बनाए रखें। किसी भी प्रकार का क्लेश वाद विवाद बिल्कुल न करें। जिस घर में शांति रहती है वहाँ देवी लक्ष्मी हमेशा निवास करती है। दीपावली के दिन यदि संभव हो सके तो किसी किन्नर से उसकी खुशी से 1 रुपया लें और इस सिक्के को अपने पर्स में रखें। बरकत बनी रहेगी। उपाय के अनुसार दीपावली के दिन 3 अभिमंत्रित गोमती चक्र, 3 पीली कौड़ियाँ और 3 हल्दी गाटे को 1 पीले कपड़े में बांधें। इसके बाद इस पोटली को तिजोरी में रखें। धन के लाभ के योग बनने लगेंगे। महालक्ष्मी का जो मंत्र है, ओम श्रीं ह्रीं श्री कमले कमलाले सिद्ध प्रसिद्ध श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जाप करें। मंत्र जप करने के लिए कमल गट्टे की माला का उपयोग करें। दीपावली पर कम से कम 108 बार इस मंत्र का जाप करें। दीपावली पर श्री यंत्र के सामने अगरबत्ती वो दीपक लगाकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके कुश के आसन पर बैठें। फिर श्री यंत्र की पूजा करें और कमलगट्टे की माला से महालक्ष्मी के मंत्र ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलाले प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करें। किसी भी मंदिर में झाड़ू का जाप दान करें। यदि आपके घर के आसपास कहीं महालक्ष्मी का मंदिर हो तो वहाँ गुलाब के सुगंध वाली अगरबत्ती का दान करें। यदि धन संबंधियों और परेशानियों का सामना कर रहे हैं तो किसी भी श्रेष्ठ मुहूर्त में हनुमान जी का ये उपाय करें और उपाय के अनुसार किसी पीपल के वृक्ष का एक पत्ता तोड़ें, उस पत्ते पर कुमकुम या चंदन से श्री राम का नाम लिखें। इसके बाद पत्ते पर मिठाई रखें और ये हनुमान जी को अर्पित करें। इस उपाय से भी धन लाभ होता है। घर के मुख्य द्वार पर कुमकुम से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। द्वार के दोनों ओर कुमकुम से ही शुभ लाभ लिखें। दीपावली के दिन श्वेतार्घ गणेश की प्रतिमा घर में लाएंगे तो हमेशा बरकत बनी रहेगी। परिवार के सदस्यों को पैसे की कमी नहीं आएगी। दीपावली पर पूजन लक्ष्मी पूजन में हल्दी की गांठ भी रखें। पूजन पूर्ण होने पर हल्दी की गांठ उस घर में उस स्थान पर रखें जहाँ धन रखा जाता है। माँ लक्ष्मी के चरण चिन्ह से आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो सकती है और सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होती है। ज्योतिष के अनुसार लक्ष्मी के चरण चिन्ह से अशुभ ग्रहों का बुरा प्रभाव भी कम होता है। इसके अलावा हमारे घर पर किसी की बुरी नज़र नहीं लगती है। सभी सदस्यों में पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। यदि संभव हो सके तो इस दिन किसी तालाब या नदी में मछलियों को आटे की गोलियां बनाकर खिलाएं। शास्त्रों के अनुसार इस पुण्य कर्म से बड़े बड़े संकट दूर हो जाते हैं। घर में स्थित तुलसी के पौधे के पास दीपावली की रात में दीपक जलाएं और तुलसी को वस्त्र अर्पित करें। अस्फटिक से बना श्रीयंत्र दीपावली के दिन बाजार से खरीद कर लाएं। श्रीयंत्र को लाल वस्त्र में लपेट कर तिजोरी में रखें। कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। दीपावली पर सुबह सुबह शिवलिंग पर तांबे के लोटे से जल अर्पित करें। जल में यदि केसर भी डालेंगे तो श्रेष्ठ रहेगा। महालक्ष्मी के ऐसे चित्र की पूजन करें जिसमें लक्ष्मी अपने स्वामी भगवान विष्णु के पैर के पास बैठी हुई हो। ऐसे चित्र का पूजन करने पर देवी बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। लक्ष्मी पूजन में सुपारी जरूर रखें। सुपारी पर लाल धागा लपेट कर अक्षत कुमकुम पुष्प आदि पूजन सामग्री से पूजा करें और पूजन के बाद इस सुपारी को तिजोरी में रखें। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।